किन्नरों के एक गुट ने किन्नरों की महामंडलेश्वर टीना माँ और छोटी किन्न पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किन्नरों का कहना है कि बाहर से आकर यह लोग प्रयागराज में आतंक किए हुए हैं और हम किन्नरों के एरिया को छीनने की कोशिश करते हैं। जब मना करते हैं तो वो गलत इल्जाम लगाकर हम लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराते हैं और थानों में या रास्तों में किन्नरों को मारते पीटते हैं। देखिए, यहाँ हम लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हम देश के दूर दूर से जितने पदाधिकारी हैं या जितने गद्दी नशीन हैं यहाँ पे आए हुए इलाहाबाद के अंदर, दो हिजड़े मतलब इस तरीके से पूरे किन्नरों को यहाँ के इलाहाबाद को परेशान कर रखा है। उनके पास पद क्या मंडलेश्वर का मिल गया है, तो मंडलेश्वर का जब पद मिला है तो जनता की रक्षा करने के लिए, किन्नरों की रक्षा के लिए मिला है कि भक्षा के लिए मिला, तो वो सबका भक्षण कर रहे हैं, सबका इलाका छीन रहे हैं, सबको मार रहे हैं, थाने के अंदर मार रहे हैं, बाहर मार रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन के सामने मार रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि अपनी गुहार लगाने कि अगर ये हमारी सुनते हैं और नहीं सुनते हैं तो हजारों किन्नरों की तादाद में मैं मुख्यमंत्री का आवास घेरेंगे। वो किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है? परेशान करते हैं, मारते हैं और कहते हैं कि हमारा इलाका, हमारे इलाका छोड़िए, और धर्म कहते हैं धर्म प्रवर्तन करवा रहे बबली किन्नर। तो ये धर्म प्रवर्तन क्यों करवाएंगे, क्या कारण है जो ये धर्म प्रवर्तन करवाएंगे? किन्नर की कोई जात नहीं है, तो ये हिंदू मुस्लिम के एक दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। अगर ऐसे हिंसा बढ़ जाएगी, दंगे हो जाएंगे, तो इनको रोका जाए। किन्नरों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि किन्न कल्याण बोर्ड में बैठी कौशल्या नंदी की जांच कराई जाए और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से इस पर किन्नरों की राय ली जाए। बाबा साहब से यही निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री बाबा साहब से यही निवेदन है कि जितनी भी सदस्य बैठे हैं इस बोर्ड में, सबकी जांच पड़ताल करके इस बोर्ड में पूरे उत्तर प्रदेश के किन्नर की वोटिंग कराई जाए, तब इस बोर्ड को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। मेरा नाम सलमा चौधरी। Hey!